बच्चों एक और जो कंसेप्ट और एक फॉर्मूला अपन हम जो बोलना चाहेंगे करंट से जो अपन को नीडेड है जानने के लिए वो ये है कि देखिए मान लीजिए ये मेरी वायर है, वायर सिलेंड्रिकल शेप में होती है, इस हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि वायर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। तो वायर पे एक पॉइंट है ए, सेकेंड पॉइंट है बी, ठीक है, दो पॉइंट है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब काउंट तो कर नहीं सकते, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक है दो, तो मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको अपन बोल सकते हैं लेट देयर बी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ चार्ज, व्हाट इज क्यू इस वायर पे ए से बी पे, क्यू क्या होगा, व्हाट इज क्यू, इट इज अ चार्ज, चार्ज कितने, व्हाट इज चार्ज हियर, इलेक्ट्रॉन है चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन, समझ में आया। तो व्हाट इज द ओवरऑल चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा ओवरऑल चार्ज इन ए टू बी, जिसमें ए टू बी पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एन, और ई क्या है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इतना समझ में आ गया। तो करंट का फॉर्मूला हम सबको पता है आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है, ओके, ठीक, रेट ऑफ चार्ज, ओके, ठीक। तो व्हाट इज क्यू, एन ई डिवाइड बाय टी, तो ये दो फॉर्मूले हैं करंट के जो हमें पता होने चाहिए, ओके, एन ई डिवाइड बाय टी और क्यू बाय टी, फाइन है। नेक्स्ट जो जरूरी चीज मैंने बताया था इनिशियली जब स्टार्ट किया था हमने, जो फर्स्ट चीज हमें पढ़नी है दैट इज करंट, सेकंड जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अगर बहुत कम शब्दों में मतलब बेसिक आपको बताया जाए तो वो वर्क डन होता है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने के लिए, क्या होता है वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, समझ आया, ठीक है, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब समझाने के लिए बेसिक चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो इसको क्या बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक पॉइंट बी, एक कंसिडर करते हैं ए, सेकेंड है, ठीक है, मान लीजिए इस चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज एक चार्ज है जो नेचर में क्या है पॉजिटिव, और यहां पे सी क्या है कूलम्स, व्हाट इज सी, सी क्या है यहां पे कूलम्स, दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम क्या है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ये बेसिक समझ आ रहा है आपको, व्हाट इज सी कूलम ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ये क्या होता है एम्पियर, ये एम्पियर होता है, व्हाट इज ए ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ये दो चीज पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, अब अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं पॉइंट बी से पॉइंट ए पे लेके आ रहा हूं, एक चार्ज को जो कैसा है पॉजिटिव इन नेचर है और जिसका मैग्नीट्यूड क्या है वन, एक चार्ज है जो नेचर कैसा है जिसका पॉजिटिव, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है प्लस वन, ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, व्हाट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, समझ आया, the amount of work done in bringing a unit positive charge from point B to A is known as potential difference. Potential difference का symbol होता है delta V, जहां पे delta बताता है change in anything, change in anything, यहां पे change किसका हो रहा है potential का हो रहा है, और V क्या होता है potential difference का symbol, तो delta V denotes potential difference, delta V is equals to work done पर चार्ज, चार्ज का सिंबल Q, वर्क डन W डॉट D, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम
1.2, ठीक है। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, ठीक है। वर्क डन, सबको पता है वर्क डन की यूनिट क्या होता है, जूल। व्हाट इज द असाइनमेंट ऑफ वर्क डन, जूल। और चार्ज का असाइनमेंट पहले क्या बताया, कूलम। तो जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ डेल्टा वी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, जूल पर कूलम। इतना समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट, इस जूल पर कूलम को हम एक सिंगल टर्म से लिखते हैं, एंड दैट इज वोल्ट। एंड वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और इस वोल्ट का सिंबल होता है कैपिटल वी। इतनी चीज समझ आ गई। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। जिसको अपन डिनोट करते हैं सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, और जिसका ऐसा यूनिट होता है जूल्स पर कूलम और वोल्ट। समझ आ गया, वोल्ट होता है ऐसा यूनिट, जूल पर कूलम इज कॉमन नेम, अपन जो बोल सकते हैं जूल्स पर कूलम। ओके, ये ड्राइव करने के लिए यूज किया गया। और व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट, वोल्ट। इतना क्लियर, बेसिक चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी। बी पे चार्ज है, चार्ज सॉरी बी पे जो वोल्टेज है, बी पे वोल्टेज जो है वो 60 वोल्ट। ए पे वोल्टेज इज व्हाट, 60 वोल्ट, ओके। एंड बी पे वोल्टेज है 40 वोल्ट, ठीक है। एक चार्ज को बी से ए लाया गया, एक चार्ज को बी से ए लाया गया, जिस चार्ज का हम ले लेते हैं प्लस टू कूलम। वो चार्ज जो है दैट इज क्यू। व्हाट इज क्यू, प्लस टू कूलम। एक चार्ज है क्यू जिसको बी से ए लाया गया, क्या किया गया, चार्ज है कूलम जिसको बी से ए लाया गया, तो वर्क डन हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन में बोला है इफ अ चार्ज टू कूलम इज ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए सच दैट The voltage drop at point A is 60 and voltage drop at point B is 40. Then find the work done. तो आपको work done क्या करना है? Find. Formula मुझे पता है. Delta B is equals to work done by charge. Drive की amount of work done bringing a unit positive charge from one point to another is known as voltage. Potential difference. ठीक है? अब देखिए. Delta मैंने क्या बताया था? Change बताया था. क्या बताया था delta? Change बताया था. That is final माइनस इनिशियल। व्हाट इज चेंज, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज। इनिशियली इनिशियल पॉइंट क्या है, बी। बी पे क्या है वोल्टेज, 40, और फाइनल पे क्या है, 60। तो 60 वोल्ट माइनस 40 वोल्ट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। चार्ज क्या है बच्चों, चार्ज इज 2, 60 माइनस 40 20 वोल्ट इंटू क्यू इज इक्वल टू वर्क डन। तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 20 इंटू 2 जूल, दैट इज 40 जूल इज द अमाउंट ऑफ। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत बेसिक है, आप समझ रहे हो। इनिशियली पॉइंट पे 40 था, 60 हुआ, तो व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा इज चेंज। और व्हाट इज चेंज, क्या चीज का चेंज, वोल्टेज का चेंज। तो 60 माइनस 40 क्या हुआ, 20। व्हाट इज 20 है, तो देयरफॉर डेल्टा भी क्या होता है यहाँ पे, 60 माइनस 40 दैट इज 20 वोल्ट। ये चीज समझ रहे हो आपको। एंड दिस 20 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, चार्ज कितना 2, वर्क डन मिला विल बी 20 इंटू 2 दैट इज 40 जूल्स। क्लियर, वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, आपको जैसे कन्वीनियंस लग रहा है। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट। नेक्स्ट क्या अपन को पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस एट अ, मान लीजिए एक पॉइंट है बी, ठीक है, इन्फिनिटी से
मैं एक चार्ज लाया हूं पॉइंट ए पे, या क्यों इंफिनिटी से मैं क्या क्यों चार्ज लाया हूं, एक चार्ज है क्यू जिसको मैं इंफिनिटी से पॉइंट ए पे लेकर आया हूं, तो उसको लेकर आने में वर्क डन लगेगा, ठीक है। तो इस पे व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पे, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज होगा बच्चों, ठीक है। व्हाट इज डेल्टा वी, चेंज इन वोल्टेज, दैट इज वी ए माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। फट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है जिससे फॉर्मूला ट्राई होगा, छोटा सा डेरिवेशन ये होता है कि फिजिक्स पे व्हेन वी स्टडी अंडर फिजिक्स वोल्टेज एट इंफिनिटी इज ऑलवेज जीरो, क्या होता है वोल्टेज एट इंफिनिटी इज ऑलवेज व्हाट जीरो, समझ आए बात, ठीक। तो वी ए माइनस जीरो इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, देयरफॉर वी ए इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, एंड दिस इज व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर वोल्टेज एट अ पॉइंट, पॉइंट ए पे फाइंड हो गया वोल्टेज, क्योंकि वी इंफिनिटी तो क्या होता है जीरो होता है, एंड आपके टेक्स्ट बुक पे एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है, दैट इज वोल्टेज सॉरी दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, समझ आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए इज डिफाइंड एज, मैं बार बार बोल रहा हूं लास्ट बार बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, द वोल्टेज सॉरी द पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक पॉइंट है ए, जिस पॉइंट का वोल्टेज ड्रॉप है 40 वोल्ट, क्या है 40 वोल्ट, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज दैट इज ऑफ 40 वोल्ट सॉरी 40 इट शुड बी 4 कूलम्स का इट शुड 4 कूलम्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला, वी ए इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, व्हाट इज वी ए 40, व्हाट इज चार्ज 4 कूलम्स, ठीक है 40 वोल्ट 4 कूलम्स, तो वर्क डन विल बी 40 इंटू 4 जूल्स, तो वर्क डन इज इक्वल टू 160 जूल्स, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 था, इससे पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, ये सेकंड क्वेश्चन बेसिक है, इतनी चीज समझ आ रही है आप लोगों को।